आज इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर का साइंस विषय को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, आज 16 नंबर से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में है क्या, देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। इंग्लिश में इसको पढ़े तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्फोट्रिक ऑक्साइड, क्या होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होता है Al2O3, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, 16 नंबर का बी आंसर सही होगा। 17 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, तो इसमें दिया हुआ है कि दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, बताना है कि इसमें से कौन नोबल गैस है। तो हम लोग जानते हैं कि नोबल गैस में क्या होता है, या तो हीलियम होता है या तो क्या होता है, सारे ऑर्बिट उसमें भरे होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 2 और 8, ये पूरा फुल फील्ड है, यानी यही हम लोग का नोबल गैस होगा, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 18 नंबर। निम्नलिखित में कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानना है तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देखना है, ठीक है। अगर इसमें देखेंगे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है, इसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा। बी नंबर में देखेंगे 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसमें भी सिंगल सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तीसरा नंबर में हम लोग देखेंगे कि C2H2 है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं 2 कार्बन है और 2 H है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 ही बॉन्ड होगा, तो यहाँ 3 बॉन्ड देंगे तब जाके क्या होगा, 4 4 बॉन्ड होगा दोनों कार्बन का, यानी हम लोग ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है और यही क्या अनसेचुरेटेड, यही हम लोग का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि CH CHO में कौन प्रकार्यात्मक समूह है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तो हम लोग लिखेंगे सी, एक एच यहाँ, एक ओ एच यहाँ, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का कुछ बन रहा है, तो हम लोग बताना ये क्या चीज़ है। आखिर जो HCHO ये जो है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यही आपको पहचान करके बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, खुद ही देखिए, है ना, कि सी इस तरह का बनता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CHOH इस तरह का बनता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं, है ना। जहाँ पर CHO लगा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंसर। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, तो दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी। तो देखना है कि लिथियम के बराबर किसका ये होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एज अ लिथियम। तो जितना लिथियम का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतना इसका भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर तोड़ा जाए, इसको क्या क्या है, मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम Mg12 होता है ये, और क्या कैल्शियम 20 है, और क्या है पोटासियम है ना, पोटासियम है, एक और होगा, ठीक है, एक एल्युमिनियम भी है, एल्युमिनियम है इसका 13 होता है एल्युमिनियम का। तो सबको देखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो हम लोग का लिथियम होता है, लिथियम का कितना होता है एटमिक नंबर, तो 3 होता है उसका। तो उसमें देखना है कि लास्ट ऑर्बिट में कितना आता है, तो 2 और 1 आता है। इसी तरह हम लोग किसका देखेंगे, तो पोटासियम का भी इसी तरह लिथियम की तरह क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 21, अब यहाँ से बायोलॉजी चालू हो जाता है कि हम लोग पास में क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो हम लोग पढ़े थे अमीबा में जो है क्या परजीवी पोषण होता है, स्वयंपोषी पोषण होता है, मृतजीवी पोषण होता है, प्राणी सहभोगी पोषण होता है, ठीक है। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हेयर इज देयर इन अमीबा, तो अमीबा कैसा होता है, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का प्राणी संभोजी पोषी पोषण, ठीक है, ये बोला सॉरी प्राणी समभोजी पोषण हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोग को इंग्लिश में इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है, ठीक है, हम लोग का अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पाइरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है, ये बताना है कहाँ पर ये विखंडन होता है। तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशियों में, या ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 22 का बी आंसर सही होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश में क्या क्या हो जाएगा, इन साइटोप्लाज्मा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन आवर मसल, इन ईस्ट,
तो माइटोकॉन्ड्रिया सही आंसर होगा। 23 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है, ठीक है, तो उपाचन का नियमन कौन करता है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी थायरेक्सिन, है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन यानी कि थायरेक्सिन, ये सही होगा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 24 में मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कहाँ से होता है, मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, हाइपोथैलेस से, या मेडुला से, आपको बताना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेडुला, ठीक है, मेडुला से सारा चीजें मॉनिटर होता है। क्वेश्चन नंबर है 25, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है किस तरह का, एक चीज है इसे दो बन तीन टुकड़ा कर दिया, ये तीनों अलग अलग बन गए, तो विखंडन है, खंडन है, पुनर्भवन है, या मुकुलन है, बताना है आपको। फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन है, या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, या बडिंग है, इसको हम लोग रीजनरेशन के नाम से जानते हैं ना, अब पढ़े होंगे 6 चैप्टर, नहीं 8 चैप्टर में, ये 8 चैप्टर का है कि बहुत तरह का ये रिप्रोडक्शन होता है, उसमें से एक टाइप का ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है, तो इसका बताना है कि किस तरह का रिप्रोडक्शन है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नंबर, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा, यह पुनः मुकुलन, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, पुनर रुद्भवन, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, एक सेकेंड, हाँ ये वाला, ये क्या हो रहा है ये, ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में दिया हुआ है कि मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है, बहुत अच्छा चीज़ है ना, मनुष्य में जो निषेचन होता है कहाँ पर, अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, या फिर योनि में, आपको बताना है, ठीक है, तो वेयर डज द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमंस, फलोपियन ट्यूब में, वास डिफरेंस में, यूट्रस में, या ये क्या बोलते हैं वेजिना में, तो बताना है किसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा फलोपियन ट्यूब, है ना, यहाँ पर होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको बोलते हैं अंडवाहिका, ठीक है, यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 27, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए से, केवल माता के डीएनए से, केवल पिता माता दोनों के डीएनए से, या फिर इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, पिता और माता दोनों के डीएनए से ये होता है, ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन ही है ना, नाभिकीय चुंबक, नाभिकीय विद्युत संयंत्र, शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया का ऊर्जा विमुक्त होता है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो 28 का क्वेश्चन है, तो इसमें हम लोग का आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर फिजन के द्वारा ये होता है, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि हरे पौधे की पत्तियों को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा कितने प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित में खर्च कर देती है, ठीक है, 1%, 10%, 100%, या 0.1% है, तो इसका आंसर होगा हम लोग का 1%, ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर होगा, ठीक है, लास्ट एंड लिस्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे, ये होगा सबसे लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, तो सबसे अधिक किसका प्रयोग करना होगा, थर्माकोल के डिस्पोजल कप, या प्लास्टिक के डिस्पोजल कप, मिट्टी के डिस्पोजल कप, कागज़ के डिस्पोजल कप, तो बहुत ही आंसर अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद कीजिए, ठीक है, इसका आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन है कि जो आसानी से क्या हो प्रकृति में मिल जाए, पर्यावरण को नुकसान न करे, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको अपने करेंगे, और इसी तरह का अगर इंग्लिश में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये लाने वाले हैं, ठीक है, चैनल वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जय।